तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में किला रेलवे फाटक के पास स्थित अलकनाथ मंदिर, सैकड़ों साल पुराना एवं नांगांव का ये प्राचीन मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसकी प्राचीनता के साथ विशेषताएं लोगों को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, अलकनाथ मंदिर की स्टोरी हम फुल डिटेल में बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम इसी प्रकार की कोई भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अलकनाथ मंदिर पर, तो आपको विशाल मूर्ति इस तरह से आपको देखने को मिलेगी हनुमान जी की। दोस्तों, इस मंदिर में आपको बजरंगबली श्री हनुमान जी की मूर्ति 51 फीट ऊंची देखने को मिलेगी। इस मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये मंदिर 84 बीघा क्षेत्रफल में स्थित है। दोस्तों, यहाँ शनिदेव मंदिर भी स्थापित है और कई ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को देखिए लास्ट तक। बरेली देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच स्थित जिला बरेली, बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। बरेली के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक महत्व के स्थानों में अलकनाथ मंदिर को गिना जाता है। बता दें कि अलकनाथ मंदिर नांगांव का प्राचीन मंदिर है जिसे आनंद अखाड़े संचालित करता है। अलकनाथ मंदिर नागा साधुओं की भक्ति स्थली है। आइए आज आपको इस प्राचीन मंदिर की तमाम विशेषताओं से परिचित करवाते हैं। अलकनाथ धर्म स्थल का अपना अपना महत्व विशेष, तो यहाँ हर दिन भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास के महीने में कई कई किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लग जाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। शिव भक्तों का ये बरेली में प्रिय स्थान है। 1000 वर्ष पुराना है इतिहास बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए इस मंदिर का निर्माण करीब 1000 वर्ष पहले किया गया था। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर का अपना एक पौराणिक वैदिक इतिहास है। महंत श्री कालगिरी महाराज की तरफ से बाबा अलखिया को यहाँ भेजा गया था। बाबा अलकनाथ की खातिर से हर कोई वाकिफ। बाबा अलखिया ने यहाँ बरसों तक ऋतुओं की परवाह किए बगैर कठोर तप किया। इन्होंने इस धर्म स्थल पर शिवलिंग को स्थापित किया, भगवान शिव को ध्यान लगाया। आज नागा साधुओं की कर्म स्थली के तौर पर इस धार्मिक स्थान को माना जाता है। दोस्तों, अब हम चल दिए उस जगह पर जहाँ बाबा अलखिया ने शिवलिंग को स्थापित किया था। वो शिवलिंग एक वृक्ष के जड़ के नीचे स्थापित है। दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। एक विशाल मंदिर है जो मंदिर के अंदर आपको इस तरह के व्यू देखने को मिलेंगे। देखिएगा, गोवर्धन पर्वत पकड़े हुए श्री कृष्ण जी की मूर्ति। मंदिर परिसर काफी भव्य और काफी विशाल, काफी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है।
दोस्तों इसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। जो दोस्तों आज शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हमें थोड़ा झुक के जाना पड़ता है और वृक्ष के बीच ही बीच में इसको स्थापित किया है। अभी हम उस गुफा के अंदर है जहां और देखते हैं शिवलिंग स्थापित की गई है अलगनाथ मंदिर। दोस्तों बरेली के अलकनाथ मंदिर की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लोग देखें बरेली के बारे में लोग जाने।